सबास बेस्ट क्लासेस में हम आज आपको बहुत ही कुरकुरे और झटपट बनने वाले मुरमुरे के लड्डू बनाना बता रहे हैं। तो मैं इन्हें दो तरीक़ों से बताऊंगी। तो यहाँ मैंने 6 कप मुरमुरे लिए और आधा टीस्पून मैंने हरी इलायची का पाउडर लिया, 1 कप मैंने गुड़ लिया, ये गुड़ को मैंने बारीक करके रखा है। अब देखिए, हम एक कढ़ाई को गर्म करते हैं, फिर उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून असली घी डाला और उसके बाद ये 1 कप गुड़ डाल दीजिए और गैस की आंच को मीडियम रखकर गुड़ को पिघला लीजिए। देखिए गुड़ पिघल रहा है और फिर इसके अंदर आप हरी इलायची का पाउडर डाल दीजिए। अब आप इसे मीडियम आंच पर पकाते जाइए, पकाते वक्त हिलाते रहिए ताकि गुड़ नीचे ना लगने पाए। गुड़ की हमें बहुत अच्छी चाशनी बनानी होगी। अगर आप गुड़ की अच्छी चाशनी बनाएंगे तभी लड्डू अच्छे बनेंगे। हमें इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना होगा, गुड़ ग्रेनी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल इसकी अच्छी तरह से चाशनी बननी चाहिए। अगर आपको देखना है कि ये चाशनी तैयार है या नहीं तो आप क्या कर सकती हैं, एक छोटी सी प्लेट में थोड़ा सा पानी लीजिए या कटोरी में पानी लीजिए और फिर इस गुड़ को आप उस कटोरी में डालकर देखिए। अगर ये गुड़ इस कटोरी में यानी पानी में जम जाता है या गोली बनती है तो समझिए कि ये चाशनी लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल सही है, अदरवाइज़ इसको आप थोड़ा सा और पका लें। तो देखिए हमारी चाशनी अभी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें मुरमुरे ऐड कर सकते हैं। अगर मुरमुरे थोड़े से नम हो यानी बारिश की वजह से नम हो तो आप इन मुरमुरों को भून सकती हैं। अगर आपने मुरमुरे फ्रेश खरीदे हैं तो आप इन्हें ऐसे ही डाल दें, अदरवाइज़ आप इनको भून कर भी ऐड कर सकती हैं। तो देखिए मैंने इसमें 6 कप मुरमुरे ऐड कर दिए, यानी 1 कप गुड़ के लिए मैंने 6 कप मुरमुरे इसमें ऐड कर दिए। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, लेकिन याद रखिए मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है और अब मैं इसे बिना गैस के ही इसे मिक्स कर रही हूँ। यानी गैस बंद करके ही हम मुरमुरों को इस गुड़ वाली चाशनी में मिक्स कर रहे हैं। देखिए अब हाथों को पानी लगा लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है मिक्सचर, इसीलिए मैंने हाथों को पानी लगा लिया और फिर मैं इसके लड्डू बना लूँगी। इस तरह से आप सारे लड्डू बना लें और प्लेट में रख दें, ये तभी बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं। तो देखिए ये हमारे लड्डू तैयार हैं, आप इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही कुरकुरे से और बहुत ही अच्छे लड्डू लगते हैं। तो देखिए ये लड्डू तैयार हैं, हमने इस तरह से सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो अब ये आपके खाने के लिए रेडी हैं। तो मैं आपको अब दूसरे टाइप के लड्डू बनाना बताने जा रही हूँ। तो देखिए मैं ये जो लड्डू बना रही हूँ उसके लिए मैंने 5 कप मुरमुरे लिए और 1 कप मैंने शक्कर ली। अब मैं सबसे पहले शक्कर को पिघला लूँगी। मैंने गैस को ऑन किया, फिर मैंने कढ़ाई रखी उस पर और फिर शक्कर डाल दी और फिर अब इसे मैं पिघला लूँगी। शक्कर को आप अच्छी तरह से पिघला लीजिए, हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। यानी शक्कर को पिघलाने के लिए हमने पानी नहीं डाला है, बस उसे धीमी आंच पर हमने शक्कर को पिघला लिया, यानी मीडियम फ्लेम रखकर हमने शक्कर को इस तरह से पिघला लिया है। जब शक्कर बहुत अच्छी तरह से पिघल जाएगी और इस तरह से लाइट ब्राउन लगेगी तब हम समझेंगे कि ये चाशनी तैयार है और मैं अब इसमें 5 कप मुरमुरे डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें भी थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकती हैं। इस तरह से 5 कप मुरमुरे इसमें ऐड कर दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। अगर आप गैस ऑन रखेंगी तो ये काफ़ी कड़क हो जाएगी, इसीलिए आप इसको ऑन बंद कर लीजिए। गैस बंद करके ही मुरमुरे डालिए और मुरमुरों को अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स कर लीजिए। अब हमने हाथों पर इस तरह से पानी लगाना है और फिर हमने लड्डू बना लेने हैं। इस तरह से आप लड्डू बना लीजिए। देखिए बहुत जल्दी सख्त हो जाते हैं और बहुत ही शक्कर के तो बहुत ज़्यादा कुरकुरे लगते हैं। तो देखिए हमारे ये लड्डू बन गए हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।